केवी अनंत तमिल फिल्म इंडस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड डायरेक्टर है, जिन्होंने 2005 से शुरू करके अभी तक की कई सारे सक्सेसफुल फिल्में दे चुके हैं। और केवी और डायरेक्टर केवी अनंत ने नेशनल फिल्म अवार्ड, टू स्क्रीन अवार्ड, टू सिका अवार्ड और थ्री फिल्म फेयर अवार्ड साउथ जीता है। तो दोस्तों में डायरेक्टर केवी अनंत के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस के बारे में बताने वाली हूँ। और अगर आप हो डायरेक्टर केवी अनंत के फैन तो वीडियो शुरू से तक जरूर देखना और एक लाइक भी देना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर वन, काना कंदाई। ये 2005 का ड्रामा थ्रिलर फिल्म है और इसमें को डायरेक्ट किया है केवी अनंत ने। और इसमें श्रीकांत, गोपिका और पृथ्वीराज लीड रोल में है। इसमें एक शहर में पानी का कमियों की वजह से कैसे लोगों ने प्रॉब्लम फेस करते हुए इसमें हाईलाइट करके दिखाई गई है। और इसमें थ्रिलिंग ट्विस्ट के साथ साथ एक सोशल मैसेज भी दिखाई गई है। और इसका हिंदी डब है मुकाबला नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इसका IMDb रेटिंग मिला 6.5 आउट ऑफ 10। और इसका बजट था 2 करोड़। और इसका इंडियन कलेक्शन है 7 करोड़ और वर्ल्डवाइड कलेक्शन है 8 करोड़। और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर टू, आयन। ये 2003 का एक्शन फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया के वी अनंत ने। और इसमें सूर्या, प्रभु और तमन्ना लीड रोल में है। इसमें देवा एक स्मगलर बिजनेसमैन आरो मुगमकांडो में काम करता है, पर बाद में देवा ने ड्रग बिजनेस के अगेंस्ट में कैसे फाइटिंग करते हुए इसमें दिखाई गई है। और इसमें इंडिया के ड्रग बिजनेस को काफी अच्छे से हाईलाइट की गई है। और इसका IMDb रेटिंग मिला 7.3 आउट ऑफ 10। और इसका बजट था 15 करोड़। इंडियन कलेक्शन है 65 करोड़ और वर्ल्ड कलेक्शन है 80 करोड़। और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर थ्री, को। ये 2011 का पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया के वी अनंत ने। और इसमें जीवा, अजमल और पिया बचपाई लीड रोल में है। इसमें वसत हंत आने वाले इलेक्शन में कैसे हिस्सा लेने की कोशिश करते हुए इसमें दिखाई गई है। और इसमें जीवा की एक अलग अवतार नजर आई है। और इसका IMDb रेटिंग मिला 7.8 आउट ऑफ 10। और इसका बजट था 10 करोड़। इंडियन कलेक्शन है 32 करोड़ और वर्ल्डवाइड कलेक्शन है 40 करोड़। और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर फोर, मत्तरन। ये 2012 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया के वी अनंत ने। और इसमें सूर्या, काजल अग्रवाल लीड रोल में है। और इसमें सूर्या ने जुड़ा हुआ ट्विन भाई के रोल में नजर आई है। इसमें रामाचंद्रन अपनी कंपनी पे बच्चों के लिए एक एनर्जी ड्रिंक बनाकर मार्केट पे बेचते हैं, पर उस ड्रिंक के एक सीक्रेट उनका दोनों जुड़ा बेटा को पता चल जाता है। और इसी वजह से बाप रामाचंद्रन ने उनके बेटा को कैसे मर्डर करने की कोशिश करते हुए इसमें दिखाई गई है। और इसका हिंदी डब है नॉन्ग वैन जूरा नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इसका IMDb रेटिंग मिला 5.9 आउट ऑफ 10। और इसका बजट था 40 करोड़। इंडियन कलेक्शन है 55 करोड़ और वर्ल्डवाइड कलेक्शन है 65 करोड़। और ये फिल्म हिट साबित थी। नंबर फाइव, अनेगन। ये 2015 का थ्रिलर फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया के वी अनंत ने। और इसमें धनुष, अमीरा दस्तूरी ड्रोम है। इसमें काली और कल्याणी दोनों की प्यार कहानी को पुनर्जन्म के साथ जुड़ा कर दिखाई गई है। और इस फिल्म को वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक थ्रिलर फिल्म माना जाता है। और इसका हिंदी डब है अनेक नाम से और इसका बंगाली डब है मून माझीरे नाम से। और इसका IMDb रेटिंग मिला 6.7 आउट ऑफ 10। और इसका बजट था 25 करोड़। इंडियन कलेक्शन है 40 करोड़ और वर्ल्डवाइड कलेक्शन है 55 करोड़। और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। नंबर सिक्स, कवन। ये 2017 का पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया के वी अनंत ने। और इसमें विजय सेतुपति, मदन्ना लीड रोल में है। इसमें एक टीवी जर्नलिस्ट अपने करप्ट बॉस के अगेंस्ट पर कैसे आवाज उठाते हैं वह इसमें दिखाई गई है। और इसका IMDb रेटिंग मिला 7.1 आउट ऑफ 10। और इसका बजट था 25 करोड़। इंडियन कलेक्शन है 44 करोड़ और वर्ल्डवाइड कलेक्शन है 54 करोड़। और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। नंबर सेवन, कप्पन। ये 2019 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया के वी अनंत ने। और इसमें सूर्या, कॉम्पिट एक्टर मोहनलाल, आर्या और साशा लीड रोल में है। इसमें स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का ऑफिसर कैसे एक मिस्टीरियस आर्मी के छेट से अपने प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हुए इसमें दिखाई गई है। और इसमें सूर्या और मोहनलाल की कॉम्बो पैक फैंस का एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ा दिया था। और इसका IMDb रेटिंग मिला 6.5 आउट ऑफ 10। और इसका बजट था 60 करोड़। इंडियन कलेक्शन है 82 करोड़ और वर्ल्डवाइड कलेक्शन है अराउंड 100 करोड़। और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। तो दोस्तों ये रहा डायरेक्टर के वी अनंत की बॉक्स ऑफिस क्वेश्चन एनालिसिस के बारे में। इस सब फिल्मों से कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी कमेंट करके बताना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। सर के बारे में सभी ने सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।